हेलो नमस्ते, जय शिव शंभू। मेरा नाम है नीलेश पंडित, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है टाइगर पॉज फिटनेस। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। आज का टॉपिक है भुजा खाओ बॉडी बनाओ। ठीक है, ये थोड़ा सुनने में आपको फनी लग सकता है, लेकिन ये सच है कि हमारे देश इंडिया में भुजा खाने का बहुत अच्छा कल्चर है। ठीक है, भुजा एक ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, जिसके आपके बॉडी में डालने से आपको बहुत ज़्यादा पावर मिलता है। आपके बॉडी में पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, और आपको अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट होता है वो पूरा होता है। विटामिन ए, बी, सी, डी बहुत सारे हैं जो आपके भुजे के वजह से फ़ायदे करते हैं। मेरा 141 डेज हो चुका है 75 हार्ट चैलेंज का। ठीक है, आज है 142nd डे। ठीक है, और मैं आपको अभी जस्ट अपना बॉडी पंप दिखाता हूँ जो मैंने अभी किया है। वेट अ सेकेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और जिन्हें ज़रूरत हो उन्हें मेरा वीडियो शेयर कर दें। ठीक है, ये अपना फिजिक है बॉडी, ये देखो, दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग टी शर्ट को ना ऐसे क्रंच करके फेंक देते हैं, ठीक है, वो अच्छा मैनर नहीं है। ठीक है, टी शर्ट को हम ऐसे ऐसे मोड़ने का, इसके हाथ को फोल्ड करने का, यहाँ पे डालने का, और इसको रजनीकांत की तरह ऐसे रखने का, या फिर आप चाहो तो इसे ले जाकर साइड में रख दो। ठीक है, यू कैन स्विंग इट ऑन और यू कैन जस्ट कीप इट ऑन द टेबल और द प्लेस यू वांट टू कीप इट, बट एट द क्लीन प्लेस। ठीक है, चलो, ये मेरा फिजिक है। ठीक है, मुझे क्लासिक फिजिक बहुत पसंद है। ठीक है, और मैं बॉक्सिंग करता हूँ। ठीक है, इसलिए मेरा अगर आप बॉडी फिजिक देखोगे तो मेरा चेस्ट 42 है। ठीक है, बाइसेप्स, सॉरी आर्म्स जो है वो बाइसेप्स नहीं, आर्म्स ये 14.5 इंच के हैं। ठीक है, ये मेरा शोल्डर है, डेल्टॉइड है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, रियर में, बैक में और पीछे। ठीक है, आज 142nd डे है और आज मेरा एक्सरसाइज है ट्रैप्स का, सॉरी ट्रैप्स कर रहा हूँ, ट्राइसेप्स का और बैक का। ठीक है, सही, आप लोगों को मेरा एस्थेटिक बॉडी बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़े काम की बातें कर लेता हूँ। ठीक है, जब आप भुजा लेते हो ना, ठीक है, कोशिश करो कि वीकली आप कम से कम 2 से 3 बार भुजा लो। ठीक है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपके बॉडी को एकदम एस्थेटिक होने में, मस्कुलर होने में हेल्प करते हैं, पावर देने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आपके बॉडी में अगर पावर नहीं होगा तो आप ताकत से 2 रेप्स 3 रेप्स एक्स्ट्रा या थोड़ा ज़्यादा वट वेट जो है वो अप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको अपना मसल इंक्रीज करना है तो आपको वेट अप करना पड़ेगा। अगर आपको अपना बॉडी फैट डाउन करना है तो आपको दौड़ना होगा, कार्डियो, उसमें भी पावर की ज़रूरत है, स्टैमिना की ज़रूरत है। आप लोग जब भी देखते हो कि हॉर्स को, उन लोग को हमेशा चना खिलाया जाता है, क्यों? क्योंकि चना, मूँगफली, ये सब जितने भी चीज़ होते हैं ये आपको बॉडी को पावर देने में हेल्प करता है। अगर आप मेरा एब्स देखोगे तो मेरे 2 अपर एब्स हैं, बड़े बड़े, ठीक है, बीच में 2 आ रहे हैं और लोअर अभी आना बाकी है। मेरा फैट परसेंटेज है लगभग 8%। ठीक है, ये मेरा बाइसेप्स है। ठीक है, ये मेरा ट्राइसेप्स है। ठीक है, शोल्डर आप देख सकते हो, ठीक है, डेल्टॉइड के साथ ये ट्रैप्स हो गए। ठीक है, और ये बैक मसल हो गया पीठ का। ठीक है, आपका ट्रैप्स और आपका बैक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेरा थाई जो है 21 इंच का है और काप्स जो है अपने पिछले वीडियोस में आपने देखा ही होगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं भुजा कैसे बनाता हूँ। ठीक है, और आपको मैं दिखाता हूँ कि भुजा बनाने का सही तरीका क्या है और भुजा कैसे आपको हेल्प करता है। भुजा खा बॉडी बनाओ, लेट्स गो। टी शर्ट पहन लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं भुजा कैसे खाना है। ठीक है, लेट्स गो। हेलो, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि भुजा खाओ बॉडी बनाओ। ठीक है, भुजा खाना आपके बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले मैं इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ कि क्या क्या आपको ज़रूरत है। प्याज, मिर्च, ठीक है, उसमें पोटेशियम होता है। मिर्च आपको अगर पीने की आदत नहीं है पानी, तो आपको हेल्प करता है पानी पीने में। ठीक है, तो इसलिए प्याज और मिर्च का होना ज़रूरी है। यह है चना, जो आपको पावर बढ़ाने में हेल्प करता है, जो आपको घोड़ों को खिलाया जाता है। ठीक है, अगर आप चाहो
मिक्सचर ऐड कर सकते हो, इसमें आपके मूंगफली, इसमें आपके दाने, ठीक है, इसमें आपके मटर, इसमें और भी बहुत सारे सेब, बहुत सारे होते हैं जो आपको पावर में पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, बी, सी, हर चीज़ में मदद करता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है चने में, जो आपके बाल के लिए और आपके पावर के लिए जरूरी है। ये सब मेरे डब्बे हैं जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। और ये मेरे परोई का डब्बा है, जो आप राइस करते हो ना, राइस को जब फ्राई करते हैं, ठीक है, तो उस समय ये होता है। और इसके बाद देखोगे तो चूरा और राइस फ्राई किया हुआ है, इसको बनाकर अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वेट, इन सबको मिक्स करना है। हाय, ये देखो हमने प्याज और मिर्च दोनों को कट कर लिया, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा नहीं, एक मुट्ठी, या ढक्कन से भी आप नाप कर इसके ढक्कन से भी डाल सकते हो, ठीक है। एक मुट्ठी ये डाल लो चूड़ा, और जो चावल फ्राई करके बनता है, ठीक है, जिसको फरुई कहते हैं, ठीक है, ये डालो, ठीक है। इसमें आप आधा मुट्ठी मिक्सचर डाल लो, ठीक है। आप चाहो तो इसे ढक्कन से भी नाप सकते हो, लेकिन मैं हाथ से ही नापता हूँ, ठीक है। इसको तुरंत टाइटली बंद कर दो, वरना हवा लगने से इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, ठीक है। और एयर को कभी भी जाने मत दो, कभी भी एयर को जाने मत दो। ये है चना, ठीक है, ये मैं डब्बा में ले लेता हूँ, ये आधा डब्बा, ठीक है, चना है जो पावर के लिए आयरन में हेल्प करता है। इसे मिक्स कर लो, ठीक है। आप चाहो तो इसमें ऑयल हल्का मिला सकते हो, सरसों का तेल जो सनफ्लावर का होता है, ठीक है। और आप इसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए हल्का सा पीपर भी डाल सकते हो, ठीक है। अब इसको मिक्स करते हैं, खाते हैं। वेट अ सेकेंड, अगर मान लो आपको नमक कम लग रहा है, ठीक है, आपके भुजे में, तो ठीक है, आप अपना नमक का डब्बा लो, ठीक है, उसमें थोड़ा सा एक चुटकी, ठीक है, इतना सा नमक मिक्स कर सकते हो, ठीक है। ऐसे तो अगर मिक्सचर आपका साल्टी है, मीठे की जगह, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तुरंत डब्बे को बंद करो, एयर नहीं लगना चाहिए आपके फूड में। ये हल्का सरसों का तेल है, सरसों का तेल अलग होता है सनफ्लावर का, ठीक है। सरसों का एक पौधा होता है जिससे बनता है, ऐसे डुप्लीकेट मार्केट बहुत मिलते हैं, वो सब यूज़ मत करो। और तेल हल्का सा मिक्स करो ताकि टेस्ट आए आपके, ठीक है। वेट थोड़ा सा, ठीक है, इसे हाथ से या चम्मच से फ्राई कर लो, फ्राई करो सॉरी, मिला लो अच्छे से, मिक्स कर लो, उसके बाद इसको टेक करो। वेट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी के अभी सारा मिक्स करके अपने डब्बों को अच्छे से बंद करो, टी शर्ट को अच्छे से पैक करके उसको अच्छे से रखो, क्योंकि ब्रो उससे आपके कपड़ों के टेक्चर ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका फिजिक जो आपके सामने है, ठीक है, ये रहा बाइसेप्स, चेस्ट, क्लेवेज, ठीक है, शोल्डर, डेल्टॉइड्स, ठीक है। आप इस भुजे को या तो इस तरह से मिक्स कर सकते हो, ठीक है, या इसको चम्मच से मिक्स कर सकते हो, ठीक है। और ये आपका रेडी है, पावर इंड्योरेंस बढ़ाने में काम आता है चना, इसलिए घोड़े को खिलाया जाता है, ठीक है। इसमें आप चाहो तो और भी चीज़ें मिक्स कर सकते हो, लेकिन मैं नॉर्मली यही मिलाता हूँ। प्याज और मिर्च जो मिला वो आपके तीखेपन को बढ़ाता है, जिससे आपकी प्यास बढ़ती है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। वाह, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कमेंट में जय शिव शंभु लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। भुजा खाओ, बॉडी बनाओ, ठीक है, सी, बाय।